अगर आप किसी सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे हैं तो ये खबर आपके बड़े काम आ सकती है। दरअसल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल की ओर से क्लर्क के 2,557 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। उम्मीदवार 23 अक्टूबर 2020 से इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार वैसे सभी उम्मीदवारों को जो 2 सितंबर 2020 से 23 सितंबर 2020 तक सफलतापूर्वक पंजीकरण नहीं कर सकते थे, वे IBPS क्लर्क भर्ती 2020 के लिए IBPS.in पर 6 नवंबर तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी के तहत देश के अलग अलग राज्यों में स्थित बैंकों में भी भर्तियां की जानी हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश का नाम भी शामिल है। IBPS द्वारा इन सभी पदों की संख्या राज्यवार निर्धारित की गई है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश के खाते में 44 सीटें आई हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉरपोरेशन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक पंजाब और सिंध बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे देश भर के विभिन्न बैंकों में कुल 2,557 रिक्तियां उपलब्ध हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 6 नवंबर 2020 है। प्री एग्जाम ट्रेनिंग के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करने की तिथि 17 नवंबर 2020 है। प्री एग्जाम ट्रेनिंग का आयोजन 23 नवंबर से 28 नवंबर 2020 तक होगा। IBPS क्लर्क फ्री ऑनलाइन परीक्षा के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करने की तिथि 18 नवंबर 2020 रहेगी। IBPS क्लर्क प्रारंभिक ऑनलाइन परीक्षा 5, 12, 13 दिसंबर 2020 को होगी। ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम प्रारंभिक 31 दिसंबर 2020 तक आ सकता है। IBPS क्लर्क मेंस एग्जाम कॉल लेटर डाउनलोड करने की तिथि 12 जनवरी 2021 है। IBPS ऑनलाइन परीक्षा मुख्य 24 जनवरी 2021 को होगी। प्रोविजनल अलॉटमेंट की तिथि 1 अप्रैल 2021 तक है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में डिग्री या भारत या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समक्ष है। उम्मीदवार के पास वैलिड मार्कशीट डिग्री प्रमाण पत्र होना चाहिए। ऑनलाइन पंजीकरण करते समय उम्मीदवार को ग्रेजुएशन में प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्ज कराना होगा। कंप्यूटर साक्षरता, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग और कामकाजी ज्ञान होना अनिवार्य है, यानी उम्मीदवारों के पास कंप्यूटर ऑपरेशंस लैंग्वेज सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए। हाई स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट में किसी एक विषय के रूप में कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की होनी चाहिए। आयु सीमा 20 से 28 वर्ष के बीच होना जरूरी है। CRP ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर चयन होगा, जो दो चरणों में आयोजित किया जाएगा, यानी चरण एक कंप्यूटर आधारित प्रारंभिक वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो 100 अंकों की होगी और चरण दो कंप्यूटर आधारित मेंस परीक्षा 200 अंक की होगी, साक्षात्कार के दौर के बाद होगी। अंतिम चयन IBPS क्लर्क मेंस और IPS क्लर्क साक्षात्कार के आधार पर होगा। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।
आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।